हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शक्ति एंड आई वेलकम यू ऑल इन शक्ति सर क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर सिंस लास्ट 20 इयर्स एंड टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। द चैप्टर हैज बीन गिवन इन द 3 डिफरेंट पार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल कंप्लीट पार्ट नंबर फर्स्ट, A Baker from Goa by Lucio Rodrigues. If you are new on our channel, if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, A Baker from Goa. चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट। तो राइटर यहाँ कहता है कि हमारे जो एल्डर्स हैं अक्सर बातें करते हैं उन पुराने दिनों की जो पोर्टुगीज के समय हुआ करते थे, और वो भी क्या दिन थे पोर्टुगीज के, वो दिन जब ब्रेड के लोव्स बड़े फेमस हुआ करते थे। तो वो ईटर्स ऑफ लोव्स वो तो अब शायद वैनिश हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो है उनको बनाने वाले मिक्सर्स, मोल्डर्स, बेकर्स जो है आज भी गोवा में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो वो जो एज ओल्ड टाइम टेस्टर्स फर्नेस है वो आज भी गोवा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो आज भी वहां पर जस की तस कायम है। तो उन फर्नेसेस की फायर जो है अभी बुझी नहीं है। और द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बैम्बू मेकर, ये जो है उसके अराइवल का जो है एक संकेत देता है मॉर्निंग में, और इस साउंड को सुना जाता है गोवा के अंदर आज भी कुछ एक जगहों पर। तो मे बी जो है उनके फादर्स आज जिंदा नहीं है इस प्रोफेशन को कैरी करने के लिए, लेकिन उनके बेटे, उनके परिवार आज भी इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो इन बेकर्स को आज के समय में गोवा में कहा जाता है पेडर, PADER। द बेकर्स इन द गोवा आर कॉल्ड पेगर, और द बेकर्स इन द गोवा आर नोन बाय द नेम ऑफ पेडर। तो राइटर कहता है कि जब वो छोटे बच्चे थे, गोवा के अंदर रहा करते थे, तो जो बेकर है वो उनका दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, गाइड हुआ करता था, और वो कम से कम दिन में 2 बार उनके घर के आगे से निकलता था। सबसे पहले तो वो आता था मॉर्निंग के समय जब वो अपनी ब्रेड के लोव्स को बेचने के लिए जा रहा होता था, उसके बाद दोबारा आता था वो तब जब उसकी ब्रेड की जो बास्केट थी पूरी खाली हो चुकी होती थी। सो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ इज बैम्बू, तो उसके बैम्बू की जो जिंगलिंग थर्ड है, आवाज है, वो उनको सुबह उनकी नींद से जगाती थी, और वो दौड़ करके सीधा उस पेडर को ग्रीट करने के लिए दौड़ते थे। लेकिन राइटर यहां एक बात और कहता है कि वो दौड़ करके ग्रीट करने जाते थे इसलिए नहीं कि उन्हें ब्रेड के लोफ से प्यार था, बल्कि ब्रेड लेने का काम तो जो है वो घर के मेड सर्वेंट करते थे जिनका नाम पेस्काइन और बेस्टाइन था। तो अगर ब्रेड खरीदने का काम घर के मेड सर्वेंट कर रहे हैं तो फिर ये जो राइटर है रॉड्रिक्स, ल्यूसियो रॉड्रिक्स, फिर भला ये किस वजह से दौड़ करके जो है बचपन में ग्रीट करने जाता था एक पेडर को, एक ब्रेड सेलर को। तो आइए देखते हैं क्या वजह थी। तो कारण उसका ये था कि वो जो है वहां जाते थे इस चाहत में, इस चाव में, ताकि वो उन ब्रेड के जो बैंगल्स होते थे, ब्रेड बैंगल्स, उनको बड़ी केयरफुली सेलेक्ट कर सकें, क्योंकि कभी कभी ये स्वीट होते थे और कभी कभी बहुत स्पेशली बनाए जाते थे। तो दिस वॉज द बेसिक रीजन व्हेन द राइटर ल्यूसियो रॉड्रिग्स वॉज अ किड एंड यूज्ड टू लिव इन गोवा, व्हेन ही यूज्ड टू हियर द साउंड ऑफ जिंगलिंग थर्ड ऑफ द पेडर, ही रैन आउट ऑफ द हाउस एंड यूजली ग्रीट द पेडर। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेलेक्ट द लोव्स ऑफ द ब्रेड केयरफुली, बिकॉज सम ऑफ देम वर यूजली स्पेशली मेड, और उनमें से कुछ एक जो है मीठे हुआ करते थे। तो वो तो खाली अपनी सिलेक्शन बताने के पर्पज से जो है दौड़ के जाते थे, बाकी उन लोव्स को खरीदने का काम तो घर के मेड सर्वेंट किया करते
थे। तो बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, तो बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री जो है लेता था झेंग झेंग की साउंड के साथ में, और ये आवाज निकलती थी खास किस्म से बनाए गए, खास किस्म से बनाए गए एक बैम्बू स्टेप से। तो एक हाथ सपोर्ट करता था बास्केट को और दूसरा हाथ जो है बैम्बू पर रहता था ग्राउंड पर। तो जो घर की लेडी है वो आकर के ग्रीट करती थी गुड मॉर्निंग के साथ में, और उसके बाद में वो जो ब्रेड सेलर है, पेडर है, वो उस बास्केट को उस वर्टिकल बैम्बू के ऊपर जो है सेट कर देता था। तो बच्चों को जो है वहां से हटा दिया जाता था, हल्की सी डांट फटकार करके बच्चों को वहां से हटा दिया जाता था, और जो ब्रेड के लोभ से वो डिलीवर किए जाते थे घर के नौकरों को। तो बच्चे जब वहां से थोड़ी सी डांट फटकार करके भगा दिए जाते थे, तो बच्चे वैसे भी यू नो वेरी वेल बच्चे कहां हार मानने वाले होते हैं, तो बच्चे हार नहीं मानते थे। तो जैसे ही बच्चों को वहां से भगाया जाता था तो बच्चे सीधे चढ़ जाते थे किसी बेंच के ऊपर या पैरापेट के ऊपर, और वो झांकते थे उस बास्केट के अंदर किसी न किसी तरह से संभव। तो राइटर कहता है कि आज भी उसे याद है वो ब्रेड का टिपिकल फ्रेग्रेंस, जो खुशबू आती थी उन ब्रेड के लोव्स से आज भी उसको याद है। तो हर तरह के लोव्स थे, लोव्स फॉर द एल्डर्स, बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो वो जो है बच्चे जैसे ही घर में ब्रेड के लोव आते थे तो बच्चे जो है दांत साफ करने की जहमत उठाते ही नहीं थे, बच्चे बिल्कुल भी दांत साफ नहीं करते थे। और बच्चे इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइटर बचपन का ही एग्जाम्पल दे रहा है कि जब ब्रेड का लोग घर के अंदर आता था तो अपने दांत साफ नहीं करता था। तो कहता है कि भला क्यों आम की टहनी या पत्ती को तोड़ करके उसका ब्रश बना करके दांत साफ किए जाए, वैसे भी नीड थी कहां राइटर के हिसाब से, भला टाइगर कौन सा अपने दांतों को साफ ही करता है, वैसे भी गर्म चाय जो है वैसे सारा मुंह साफ कर देती है, तो भला फालतू में जो है दांतों को साफ करने की जहमत क्यों उठाई जाए। ये महान विचार है ल्यूसियो रॉड्रिक्स के, एंड आई होप आजकल के बच्चे भी यही विचार रखते होंगे। तो आगे राइटर अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि शादी के उपहार, शादी समारोह जो होते थे वहां के जो उपहार है वो मीनिंगलेस होते थे बिना स्वीट ब्रेड के, जिसे विशेष रूप से जाना जाता है बोल के नाम से। तो कोई पार्टी हो, कोई फीस्ट हो, वो कोई भी कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ट्रीट हो या कोई भी गैदरिंग हो, अगर वहां पर ब्रेड नहीं है तो ये गैदरिंग, ये पार्टी, ये शादी, ये समारोह सारा का सारा अपना चार्म खो देता था। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि गोवा के अंदर बेकर की क्या स्थिति है, क्या इंपॉर्टेंस है, और गांव के अंदर विशेष रूप से उसका क्या महत्व है। तो द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो मुख्य महिला है, उन्हें जो है खास किस्म के सैंडविच तैयार करने ही पड़ते हैं अगर ओकेशन है उनकी बेटी की एंगेजमेंट का। यानी यूजुअली यू मस्ट हैव सीन जब घर में किसी की शादी वादी होती है तो हर एक प्रांत के हिसाब से कुछ खास किस्म के डिशेस बनती हैं। तो राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, गुजरात की अलग है, दिल्ली की अलग है, साउथ इंडिया की अलग है, लेकिन गोवा का तो बिल्कुल अलग ही फंडा है। गोवा में तो जब किसी लड़की की एंगेजमेंट हो रही होती है तो उसकी माँ को उस मौके पर बनने वाले खास किस्म के जो है सैंडविच बनाने ही पड़ते हैं, ये कंपल्शन है, मस्ट नेसेसरी है। तो केक और बॉलिनहास भी मस्त होते हैं क्रिसमस के मौके पर या दूसरे को त्योहार आते हैं, तो केक और बॉलिनहास मस्त जो है डिशेज हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गांवों के अंदर आज भी, गोवा के गांवों के अंदर आज भी एक बेकर और उसकी फर्नेस की मौजूदगी कितने ज्यादा मायने रखती है। तो बेकर हो या जिसको हम ब्रेड सेलर कहते हैं, उन दिनों में उसकी पेक्यूलर ड्रेस हुआ करती थी और उस ड्रेस को जाना जाता था कबाई के नाम से। तो ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। तो राइटर ल्यूसियो कहता है कि उनके बचपन में उन्होंने उन बेकर्स को देखा है एक शर्ट और ट्राउजर रूपी कुछ चीज पहने हुए, एक ऐसा ट्राउजर था
जो फुल लेंथ पैंट से, जो फुल लेंथ ट्राउजर होता है उससे छोटा था, लेकिन जो एक हाफ पैंट होता है उससे काफी बड़ा था। तो आप यूं कह सकते हो कि आज की डेट में जो हम कैपरी पहनते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट के कैपरी हो गई है। तो राइटर कहता है कि जब वो छोटे बच्चे थे, उन्होंने बेकर्स को जो है एक शर्ट और घुटनों तक आती एक निकर, जो फुल लेंथ पैंट से छोटी लेकिन हाफ पैंट से बड़ी थी, उसमें देखा था। तो आज भी अगर कोई इस परिधान को, इस फैशन को फॉलो करता है, यानी शर्ट के साथ में कैपरी टाइप डाल लेता है या कैपरी पहन लेता है, तो आज भी गोवा के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने शर्ट और कैपरी डाली हुई है, उसको जो है पैडर कह के ही बुलाया जाता है। तो गोवा के अंदर आज भी अगर कोई उस पर्टिकुलर फैशन को फॉलो करता है या कपड़े पहनता है, शर्ट और घुटनों तक आने वाला कोई निकर, तो उसको जो है पेडर कह के ही बुलाया जाता है। तो यूजुअली बेकर जो है वो अपने बिल्स जो है मंथ के एंड पर कलेक्ट करता है, और महीनों के अकाउंट्स को, मंथली अकाउंट्स को वो लिख करके रखते हैं दीवारों पर पेंसिल से। तो बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था पुराने दिनों में भी और आज भी, और बेकिंग से जुड़े हुए परिवार कभी भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं पड़े, ना ही गुजरे, और ना ही कभी उनको खाने पीने की कोई किल्लत ही महसूस हुई थी। तो वो उनके परिवार और उनके यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर हमेशा ही खुशहाल और प्रॉस्परस दिखाई देते रहे थे और आज भी दिखाई देते हैं। तो उनका प्लंप फिजिक, उनका गोल मटोल सा फिजिक जो है इस बात का सच्चा सबूत होता है कि खाने पीने की इनके यहाँ कोई कमी नहीं है और बहुत ही खुशहाल लोग हैं। इवन टुडे, आज भी अगर कोई इंसान को, या गोवा के अंदर आज भी कोई जैक फ्रूट जैसा कोई फिजिकल अपियरेंस लिए गोवा में दिखाई दे जाता है आदमी, तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि डेफिनेटली ये बंदा कोई बेकर ही होगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही ये पार्ट हम यही खत्म करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।